वक्र वाई बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये होनी चाहिए, मतलब इस पर स्पर्श रेखा अगर खींचे तो ये आनी चाहिए, वो बिंदु ज्ञात करना है। तो हम वो बिंदु एच के मान लेते हैं, और एच के अगर वक्र पर स्थित है तो उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, हम संतुष्ट करवा देंगे, फिर डिफरेंशिएशन निकालेंगे और एच के पर इसकी प्रवणता निकालेंगे, वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर आनी चाहिए। अब जो बिंदु हमें मिलेंगे उन्हें हम संतुष्ट करा के देखेंगे इस रेखा पर कौन से बिंदु हैं, वही होंगे नहीं तो बाकी नहीं होंगे। बिंदु निकलने के बाद इस रेखा को के समीकरण को संतुष्ट कराना है। तो सबसे पहले माना वो बिंदु एच के है, संतुष्ट कराएंगे हम एच के से, तो के की जगह वाई की जगह के और एक्स की जगह एच रखेंगे, तो के बराबर एच की पावर 3 माइनस 11 एच प्लस 5, समीकरण 1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, इसका 3x² माइनस 11 डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एच के, इसी बिंदु पर एच के पर हम प्रवणता निकालेंगे और इसे बराबर रखेंगे इस रेखा की प्रवणता के, तो 3x² माइनस 11 ये स्पर्श रेखा की प्रवणता M1 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता M1 मानते हैं, और ये है 3h² माइनस 11, समीकरण 2। अब दी गई रेखा की प्रवणता, रेखा जो हमें दी हुई है y बराबर x माइनस 11 की प्रवणता के लिए हमें समीकरण रेखा के समीकरण की तुलना समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से करनी है। x की जगह x थे तो m की जगह 1 हुआ ना, तो m बराबर कितना आया 1, समीकरण 2, समीकरण 2। इसे हम M1 ही करेंगे क्योंकि प्रवणताएं जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने M1 निकाली है वो स्पर्श रेखा ही ये है, इसलिए हम M1 ही करेंगे। इस M1 को इसके बराबर रखेंगे, S का मान आएगा और वो S का मान उठा करके हम इसमें रखेंगे तो K का भी मान आएगा, हमें बिंदु मिल जाएंगे, एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं और जो बिंदु इस रेखा पे होगा वही मान्य होगा, बाकी अमान्य होगा। इसे 3 समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से m के मान बराबर रखने पर यानी 3h² माइनस 11 बराबर 1, समीकरण 2 तथा 3 से m1 के मान बराबर रखेंगे यानी कि 3h² माइनस 11 बराबर 1, 3h² माइनस 11 बराबर 1, 3h² बराबर 12, h² बराबर 4, h बराबर प्लस माइनस 2। अब हमें h के दो मान मिले, दोनों के संगत k के मान आएंगे, हमें दो बिंदु मिलेंगे, समीकरण 1 में h बराबर 2 रखेंगे पहले हम, तो h³ माइनस 11h प्लस 5, इसमें 2 रखेंगे तो k बराबर h³ यानी 2 का घन माइनस 11 गुणा 2 और प्लस 5, h³ माइनस 11h प्लस 5। अब यहां से k का मान देख लेते हैं कितना आता है, 8, 2 दुनी 4 दुनी 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13 माइनस की 22 तो माइनस के 9 रह गए, 13 और 22। तो एक तो P1 बिंदु जो आया हुआ है वो 2 और -9 आया हुआ है। अब
एच का मान माइनस दो रखना है, तो एच बराबर माइनस दो रखा है तो के बराबर माइनस दो का क्यूब माइनस ग्यारह इंटू माइनस दो प्लस पांच, तो ये माइनस का आठ प्लस का बाईस और प्लस का पांच, सत्ताईस माइनस आठ उन्नीस आ गया है, के बराबर 19। दूसरा बिंदु P2 हमारा आया हुआ है, H का मान माइनस दो और 19। हमारे ये दो बिंदु आए हैं P1 P2, उनसे हम रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है हमारा y बराबर x माइनस ग्यारह, इसको संतुष्ट करा के देख लेते हैं। तो पहला हमारा बिंदु P1 है 2 माइनस नौ, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 2 माइनस नौ से समीकरण y बराबर x माइनस ग्यारह को संतुष्ट कराने, तो यहाँ y का मान माइनस नौ बराबर x का मान 2 माइनस ग्यारह यानी माइनस नौ बराबर माइनस नौ, ये संतुष्ट हो गया है, अर्थात ये बिंदु रेखा पर है संतुष्ट। हम माइनस दो और 19 से समीकरण को संतुष्ट कराएंगे y बराबर x माइनस ग्यारह को, हम देख रहे हैं ये संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये बिंदु तो है नहीं, कम से कम सिर्फ एक बिंदु है वो है 2 माइनस नौ, ये संतुष्ट नहीं हुआ है, इधर 19 इधर माइनस 13। हालांकि यहां से भी निष्कर्ष निकलता था एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी और एक ही स्पर्श रेखा दी हुई है तो एक ही बिंदु होना चाहिए, ये संतुष्ट नहीं है, अतः अभीष्ट बिंदु हमारा कौन सा हुआ है, दो माइनस नौ। यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो उसका समीकरण यही आएगा।